पिछले साल का पेमेंट रुका हुआ जी, पूरे अप्रैल का रुका हुआ, मार्च पूरी हुई है। वादा नहीं निभाया सरकार ने, ये कई 15 दिन में पिछले साल का सगला पेमेंट आ जाएगा। दिक्कत आ रही है खर्चे में, सब में दिक्कत आ रही है, खेती में लगाने को चाहिए, आगे को बालकन के बच्चों को पढ़ाई में चाहिए, तो दिक्कत तो आ ही रही है। सब टाइम पे हमसे लेती है, अपना खाद देती है सोसाइटी, तो वो एक दिन के भी ब्याज लगा लेती है, हमको ब्याज तो ब्याज, हमको मूल भी नहीं मिलता एक साल के अंदर अंदर। जिसपे भी 20 करोड़ 8,18,000 रूपये बकाया है, इस पर भी तत्काल भुगतान कराए जाने के शासन से भी निर्देश आ रहे हैं, और इस पर इनको जो है समय दिया गया है, अगर नहीं करते तो और भी कड़ा रुख इनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। उस अन्नदाता को पैसा चाहिए जो पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान है, वो भी अभी तक 100% बुलंदशहर जिले में तो नहीं हो पाया है। अभी भी करीब 22 करोड़ रुपया बुलंदशहर जिले के गन्ना किसानों का मिलों पर बाकी है, जिससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जो सरकार किसानों को लोक लुभावनी बात करने के बाद सत्ता में आई, वो किसानों की हितैषी है या नहीं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।